Hi, doggy. Hi. Hi, doggy. तो गाइस टूल के बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ती है और यहाँ पे हम लोग फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वी हैड लिटिल ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे हम लोगों ने हल्की फुल्की चाय वगैरह ली और थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया और उसके बाद वी जस्ट फ्रेशन अप देयर लिटिल बिट एंड तब हम लोगों ने आगे की जर्नी स्टार्ट की बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो ही चुका था तो हमें जल्दी से ही शिमला पहुंचना था बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे हम लोग क्योंकि रात के 12 बजे से ट्रैवल कर रहे हैं लगातार से तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे एंड माय सन वाज विथ मी सो ही वाज काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा टायर्ड था। ही वाज इरिटेटेड कि भाई मुझे पहुंचना है जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है एंड ही वॉन्टेड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। मीनवाइल रास्ते में मुझे जो सारी सीनरीज वगैरह आ रहे थे तो हम लोगों ने कई जगह रुक के फ़ोटोशूट भी किया। उसकी कुछ पिक्चर्स तो मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल रखी हुई है। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे ताकि आप वो सारे फोटोग्राफ्स देख सकें। वहाँ पे तो देख सकते हैं कि आप सीनरी काफ़ी अच्छी है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शाम की तरह लग रहा है बट ऐसा था नहीं वहाँ पे। इट वाज अ ब्राइट डे लाइट लेकिन वो कैमरे की वजह से ऐसा आपको लग रहा है कि वो शाम हो रहा है। एंड रास्ते की मैं बात करूँ तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया इस रूट में अप टिल कुफरी तक मैं गई हूँ कुफरी तक तो रास्ता इज सुपर्बली असम बहुत बढ़िया रास्ता है। एक बात मुझे ना इन हिल स्टेशन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है अगर आप दिल्ली या रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वहाँ पे ट्रैफिक का कोई खास रूल नहीं है। पीपल एकदम एब्रप्टली ड्राइव करते हैं बट हिल स्टेशन पे मैंने देखा है कि सभी लोग एक लाइन में चलते हैं जिसकी वजह से जैम्स बहुत कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होती आपको अनलेस कोई लैंडस्लाइड वगैरह हो गया हो जैम्स नहीं लगते वहाँ पे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड फॉलो एंड लर्न फ्रॉम दीज पीपल। नाउ अगर मैं रास्तों की बात करूँ आप देखिए कितने ज़्यादा कर्वी रास्ते हैं यहाँ के एंड ट्रस्ट मी गाइज अगर कोई प्लेन वाला बंदा कोई जो हमारे प्लेन वाले एरिया का कोई भी ड्राइवर है वो इस एरिया में ड्राइव नहीं कर सकता इस या किसी भी हिली एरिया में आई थिंक ड्राइव नहीं कर सकता है बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक्स और एक्सेलरेशन का जो पूरा आपका एक बैलेंस है वो ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए और ये हमारे तरफ के ड्राइवर नहीं चला सकते यहाँ पे गाड़ियाँ क्योंकि फटक फटक से रास्ता चेंज होते रहता है कर्व्स आते रहते हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर anybody who's not from the hilly area कि यहाँ पर drive कर सके। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि elevations बढ़ती जा रही है शिमला let me tell you बहुत ज़्यादा height पर है तो धीरे धीरे आपको वो feeling भी आती जाएगी कि आप ऊँचाई की तरफ जा रहे हैं and रास्ते में कई सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि आना जाना कर रही है but फिर भी पहाड़ों में एक अलग किस्म की शांति होती है जो कि आपको प्लेन्स में नहीं मिलता है एंड आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस शुड गो टू दीज हिली प्लेसेस वंस इन अ ईयर एटलीस्ट कम से कम साल में एक बार आप ज़रूर विज़िट करें। यू विल डेफिनेटली लव दी जो शांति होती है ना इन जगहों की वो तो आपको ज़रूर एक बार विटनेस करना चाहिए साल में एक बार। तो गाइस चलिए अब आप इस वीडियो को एंजॉय करिए एंड मैं आपसे बातें करती हूँ फिर शिमला पहुँचकर।
हाय गाइस, तुम लोगों ने डिनर ऑर्डर कर दिया है एंड चेक इन हो गई थी दिन में। सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज़ बहुत सारा लगेज था हमारे साथ। तो अभी मैंने चेक इन हम लोगों ने कर लिया था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई दिन में। एंड अभी हमने ऑर्डर किया है कुछ तवा रोटी एंड चिकन बिकॉज़ आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। मैंने कितनी बार बताया अपनी वीडियोज़ में। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मैं आपको थोड़ी बाहर की भी वीडियोस दिखाऊंगी अभी। सो गाइस, दिस इज हाउ द सिटी लुक्स लाइक नाइट नाउ। और सारी बत्तियां जल रही हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड मॉर्निंग की व्यू काफ़ी अच्छी है, मैंने कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं और मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगी। यहाँ की मॉर्निंग की व्यू बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यहाँ पे बिल्कुल वैली का पूरा एक अच्छा खासा व्यू आता है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है एंड माउंटेन का पूरा एक रेंज दिखता है विच इज़ लाइक क्वाइट पिक्चरस्क। तो मैं आपको सवेरे दिखाऊंगी किस तरीके से वो दिखता है। एंड सनसेट और का जो व्यू है वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी तो आज मैं उसकी शूटिंग नहीं कर पाई हूँ, बट डेफिनेटली मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी बिकॉज मैं अभी और कुछ दिन हूँ यहाँ पे, तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं चाहती हूँ डिनर करने एंड फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। कल थोड़ी सी फ्रेश लगूंगी तो फिर मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊंगी कल। तो गाइज, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मॉल रोड घूमने के लिए। मॉल रोड का जो लिफ्ट है वो हम लोगों ने यूज़ किया है, नीचे की साइड से हम लोगों ने लिफ्ट लिया था एंड वहाँ से वी हैव रीच्ड हियर। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली और इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, ऑलवेज ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एट दी होटल इट सेल्फ। उससे क्या होता है ना कि सुबह सुबह आपको भगते हुए खाने खाने की चीज़ें या ब्रेकफास्ट लेने के का टेंशन नहीं रहता एंड यू आर पैक्ड विथ अ गुड फूड बिकॉज ब्रेकफास्ट आपको चाहिए होता है प्रॉपर मॉर्निंग में। तो जब आप होटल में बफे आप ऑप्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑप्ट करते हैं, तो यू आर फुल एट दी ब्रेकफास्ट एंड देन यू कैन मूव अराउंड द एंटायर डे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम लोग वॉक करते हुए धीरे धीरे मॉल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से ये एक डायरेक्ट रास्ता जाता है फायर वाली ऑफिस के पास से ही। तो आप यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो आप डायरेक्टली मॉल रोड पे जो एरिया है वहाँ पे आप निकलते हैं एंड हम लोग भी अभी इसी रूट से होके जाने वाले हैं। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। Going towards the church. Let's see, there's so many monkeys here. I can see that. Okay. धूप दिख रही अच्छी सी, ठंड है बट ज्यादा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वेरी नाइस। ओके, यहाँ आपको ऐसे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो फोटोज क्लिक करते हैं। आप चाहे तो फैमिली फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं या खुद की कैमरा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इट्स द माउंटेन हियर।
Can you see that, guys? It's all snow-capped mountain here. This is the entire view from here. तो गाइज अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आप प्लीज़ गुफा विजिट करें, यू विल गेट ऑसम ऑसम फूड। ये आपको मॉल रोड पे ही मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर एक बार यहाँ विज़िट करें। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम लोग चर्च की तरफ गए थे। धूप काफ़ी अच्छी अच्छी निकली हुई थी, ठंड तो इतनी ज़्यादा इस दिन थी नहीं, धूप बट काफ़ी अच्छी लगी थी। कुछ देर हम लोग यहाँ बैठे भी थे धूप के लिए, एंड वी वर एक्चुअली वॉचिंग एवरी थिंग, वी वर इन्जॉइंग द मोमेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ का कैप्चर नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं इस पूरे मोमेंट को इन्जॉय करूँ, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा पीछे यू नो पूरा एरिया दिखता है, पहाड़ों का एरिया दिखता है, इट्स ब्यूटिफुल गाइज, इट्स ब्यूटिफुल। सो मैं 10 साल के बाद शिमला गई थी, इससे पहले 2011 में मैं शिमला गई थी, एंड द शिमला विच आई यू नो विजिटेड दिस टाइम वाज क्वाइट डिफरेंट। तभी पॉपुलेशन कम थी एंड और ज़्यादा शॉप्स थे, मे बी कोविड की वजह से शॉप्स काफ़ी सारे बंद थे। चर्च के बाद फिर हम आ गए लक्कड़ बाज़ार वाले एरिया में, और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग की थी। बाकी ये पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको कोई भी लकड़ियों की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सस्ती मिलती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल सस्ता, बट हाँ आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी लकड़ियों की। वुलन आइटम अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ना लेकर के लोअर बाज़ार से ले सकते हैं, बट यहाँ से आप शो पीसेस, एंटिक पीसेस और डेकोरेशन के ढेरों आइटम, और अगर आपके घर में आपको गिफ्ट करने लोगों को, तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है वुडन आइटम की, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आ चुके थे चर्च वाले एरिया में ऐसे ही टहलते टहलते, एंड वहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर कुछ खाना पीना खा लें या फिर कुछ चाय वाय पी लेते। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही बैठते बैठते जा रहे थे, बिकॉज यू नो अच्छा लगता है यहाँ पे आप बैठे धूप में तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हम कुछ पिक्चर्स भी हम लोगों ने क्लिक करवाए थे यहाँ पे, मेरे बेटे की पिक्चर्स हैं यहाँ की, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में पिक्चर्स हमने खिंचवाई। एंड इसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए नीचे लोअर बाज़ार की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये मॉल रोड से नीचे जाता है, जो कि सीधे आपको लोअर बाज़ार के एरिया के पास ये निकलता है। तो अगर आपको वुलन आइटम की शॉपिंग करनी है तो आप लोअर बाज़ार से आराम से ले सकते हैं, यू विल गेट रियली रियली गुड आइटम एंड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, बहुत अच्छी बार्गेनिंग भी हो जाती है वहाँ पे। तो चलिए गाइस अब आप ऐसा चलिए नीचे की ओर, एंड आप इस वीडियो को इन्जॉय करिए। गाइस नीचे उतर रहे हम लोग अभी मॉल रोड से होकर, एंड दिन के टाइम हो रहे हैं, अभी 2:30 बज रहे होंगे दिन के आई थिंक। अच्छी धूप निकली है आज, माउंटेन्स वाह।
चढ़ना बहुत मुश्किल है, बट उतरना काफ़ी ईजी है। देखो कुत्ते यहाँ के, स्ट्रीट डॉग भयानक है। तो गाइस घूमने के बाद फिर हम लोग शाम में वापस निकल पड़े दिल्ली के लिए, बिकॉज़ हमें ऐसा पता चला कि शायद कर्फ्यू लगने वाला था, और कर्फ्यू अगर लग जाता तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती, तो क्योंकि टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे बॉर्डर पे, दिल्ली एंड हरियाणा बॉर्डर जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी, तो हमें किसी भी तरीके से लौटना था। तो ये ट्रिप एक दिन और एक्सटेंड करने वाली थी, बट हमें एक दिन पहले ही इसे यू नो वापस आना पड़ा, बिकॉज़ कोई ऑप्शन नहीं बचा था हमारे पास। एंड पूरे दिन घूमने के बाद वी वर टोटली एग्जॉस्टेड, बट उसमें ही हम लोग ने निकलने का डिसाइड किया, बिकॉज 8 बजे के बाद शिमला में कर्फ्यू लग जाती है, तो यू नो कोविड की वजह से ऐसा हो रखा है, तो 8 बजे के पहले ही हमें शिमला छोड़ना था, अदरवाइज़ हम लोग वहीं रह जाते, फिर ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती, और अगले दिन शायद फुल डे की कर्फ्यू लगने वाली थी ऐसा हमें पता चला था। तो हम लोगों ने फिर वहीं से निकलना डिसाइड किया, एंड घूमने के बाद पूरे एग्जॉस्टेड तरीके से वैसे ही शाम में फिर हम लोग निकल चले दिल्ली की ओर। तो ये जो पूरी जर्नी है, दिस इज़ आवर रिटर्निंग जर्नी, एंड आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट, सो स्टे ट्यून्ड।
पर शिमला से आने के बाद फिर हम लोगों ने फ्लाइट बुक की रखी कर रखी थी अपनी पटना के, एंड वी रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम एंड वी केम बैक। Guys, and security checkup has been done. We are going to the lounge area. I'll show you.